और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे एनर्जी लेवल्स के बारे में और एनर्जी हिल के बारे में। तो एनर्जी लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्बिट साइज। ये कोई एटम है, उसमें ये न्यूक्लियस है, ये कुछ ऑर्बिट्स हैं, इसमें एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते हैं। तो जितना आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास उतनी ज़्यादा एनर्जी होगा, वो उतनी हायर एनर्जी लेवल में होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बिल्कुल न्यूक्लियस एक एज पर है तो उसकी एनर्जी बिल्कुल जीरो के बराबर ही होगी। जैसे जैसे ऑर्बिट साइज बढ़ता जाएगा, दूरी बढ़ती जाएगी, तो इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। जैसे आर्बन मैंने यहाँ पर दिखाया, तो आर्बन की ये फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया, आर टू है उसका सेकेंड एनर्जी लेवल हो गया, आर थ्री इसका थर्ड एनर्जी लेवल। इस तरीके से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एनर्जी इस तरीके से बढ़ती है। उसके बाद एनर्जी बैंड आता है, तो एनर्जी बैंड गिव्स द रेंज ऑफ एनर्जीज। अगर कुछ रेंज हमने ले ली कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वही उसे एक हमने बैंड कह दिया, ये एनर्जी बैंड है। तो एनर्जी बैंड गिव्स रेंज ऑफ एनर्जीज पजस बाई एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी एनर्जी लेवल्स में मूव कर सकता है, कौन सी रेंज है एनर्जी की उसमें मूव कर सकता है, तो उसके हिसाब से हम उसे एक बैंड दे देते हैं कि हाँ ये बैंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। तो बेसिकली टू टाइप्स के बैंड होते हैं जो आपने सुने होंगे, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट फील्ड लेवल। ये हाईएस्ट फील्ड लेवल होती है। द इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल ऑफ द एटम आर सेट टू बी इन बैलेंस बैंड। जो आउटमोस्ट सेल में होता है, सबसे बाहरी जो सेल होती है उसमें होता है, उसे हम बैलेंस बैंड में कहते हैं एंड कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये सब आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा। व्हेन बैलेंस इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिल जाती है, इट मूव्स आउट ऑफ द बैलेंस बैंड। ये बैलेंस बैंड से बाहर निकल जाता है और फ्री हो जाता है, और यही कंडक्शन के लिए जिम्मेदार भी होता है। कंडक्शन भी इसी से होता है, बेसिकली ये कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता है और वहां से ये कंडक्शन करता है, जिसकी वजह से करेंट फ्लो होता है। देयरफॉर कंडक्शन बैंड इज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जीज हायर देन दैट ऑफ द बैलेंस बैंड। जो कंडक्शन बैंड है उसमें इलेक्ट्रॉन बेसिकली मूव कर रहा होता है, फ्री है, लेकिन इसकी एनर्जी लेवल है वो बैलेंस बैंड से हाई होगी। ठीक है, तो यहां पर हमने जो सेमी कंडक्टर्स हैं उनके लिए एनर्जी बैंड डायग्राम बनाए हैं। तो ये फर्स्ट बैंड है, फर्स्ट बैंड हो गया, सेकंड बैंड हो गया एनर्जी, यहाँ पे बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। ये सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपको पता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं। होल्स हैं वो आपके बैलेंस बैंड में पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हैं वो कंडक्शन बैंड में पाए जाएंगे। तो यहाँ पर हमने दिखाया चार होल्स हैं और चार ही इलेक्ट्रॉन हैं, बिकॉज ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए ये एनर्जी बैंड डायग्राम हो गया। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बात करता हूं, तो एन टाइप और पी टाइप होता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कहां पर पाए जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में हमने इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। बैलेंस बैंड में कुछ हो सकते हैं होल्स, तो उसे भी हमने यहां पर एक होल दिखा दिया इस तरीके से। ऐसे पी टाइप में बात करूंगा, तो पी टाइप में मेजोरिटी में होल्स होते हैं, होल्स मेजोरिटी में दिखा दिए हैं। माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया है। इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में दिखाते हैं और होल्स को बैलेंस बैंड में। तो इस तरीके से एनर्जी बैंड डायग्राम्स बना दिए सेमीकंडक्टर्स के लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए भी और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर की हेल्प से हम पी सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों की हेल्प से हम डायोड बना सकते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड जब बनाते हैं, जैसे पहले ये पी साइड हमने लिया, पी का ये बैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया। पी में बैलेंस बैंड में, क्योंकि पी में मेजोरिटी में होल्स होंगे, तो यहाँ बैलेंस बैंड में होल्स दिखाएं। यहाँ पर हमने एन लिया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि कंडक्शन बैंड में अवेलेबल होंगे, ये हमने दिखाया। तो ये जो बैंड डायग्राम है वो बिफोर डिफ्यूजन है, पहले डिफ्यूजन नहीं हुआ है, और इसे कुछ इस तरीके से स्लाइटली, जैसे यहाँ पर ये है, फिर थोड़ा चेंज दिखाया है, वो इस वजह से दिखाया है कि जो जंक्शन है वो एब्रप्ट नहीं हो सकता। अगर ये एब्रप्ट होता तो सीधे यहाँ पर
इस तरीके से ये बेंड होता, उसके बाद दूसरा बेंड स्टार्ट हो जाता, यहाँ थोड़ा स्लो इस टाइप से नहीं होता हल्का सा, तो ये दिखा रहा है कि धीमे धीमे चेंज हो रहा है, धीमे धीमे चेंज हो रहा है पी से एन, धीमे धीमे चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पी था और एकदम तुरंत एन हो गया, इसी को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पहले डिफ्यूजन से पहले है, जैसे ही डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन होने के बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते हैं, होल से इधर जाते हैं, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जब यहां जाता है तो जब ये एनर्जी इसकी कम हो जाती है तो ये फॉल करता है, इधर इसमें आता है, यहां पर एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाती है, बेसिकली डिफ्यूजन होने के बाद एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाती है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन को यहां, तो इलेक्ट्रॉन को यहां पर एक, अगर इधर जाना है तो एक हिल की तरह यहां पर चढ़ना होगा, कि जैसे किसी पहाड़ पर चढ़ रहा है, देख सकते हैं आप फ्रॉम फिगर बी, टू डिफ्यूज एन इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द जंक्शन अ पाथ हैव टू ट्रेवल दैट लुक्स लाइक ए हिल, द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट क्लेम दिस हिल, इस पर ये ऐसे ही तो नहीं चढ़ जाएगा जब तक इसे बाहर से कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, जब इसे बाहर से हम एनर्जी देते हैं तो उसके बाद ये इस पर चढ़ सकता है। तो वही होता है डायोड में, आपने देखा डायोड में जब हम बाहर से कुछ वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसके बाद उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, तो एक्चुअली ये हिल जो होता है, पोटेंशियल बैरियर होता है यहां पर, इसी की वजह से होता है। तो एनर्जी सोर्स वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है और हीट भी हो सकता है और लाइट हो सकता है, किसी के भी थ्रू हम ये एनर्जी यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एनर्जी हिल भी हो गया और एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी लेबल्स ये आपने इसमें सीखे, इस पर भी बहुत रेयर है क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। थैंक यू।